आँखों का दुखना। जी हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा आँखों का दुखना। 4 ग्रेन फिटकरी बारीक पीसकर 30 ग्राम गुलाब जल में घोल कर रख लें। ड्रापर द्वारा इस लोशन की 2-2 बूंद दिन में 2-3 बार आँख में टपकाने से आँख का दर्द, लाली और उसमें अगर रेशे बने हों तो वो दूर हो जाते हैं मेरे दोस्तों, और कीच या कीचड़ का बहुत आना बंद हो जाता है। दुखती आँखों के लिए यह श्रेष्ठ दवा है मेरे दोस्तों। यदि गुलाब जल न मिले तो इसकी जगह डिस्टिल वाटर या उबला हुआ पानी ठंडा किया हुआ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सहायक उपचार भी है मेरे दोस्तों, जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी आँखें दुखने वाली हैं तो करना क्या है आपको, जिस आँख में तकलीफ हो उस तरफ के कान में रुई ठूस दें। यदि दोनों आँखों के दुखने की आशंका हो तो दोनों कानों में रुई ठूस दें। 2-3 घंटों में ही पूर्ण आराम हो जाएगा मेरे दोस्तों। हमारे कई फ्रेंड्स ने मैसेज किया, कमेंट किया कि एक खास प्रॉब्लम होती है आँखों की गुहेरी। जी हाँ, हमारे आँखों पर कई बार छोटी फुंसी हो जाती है और बहुत तकलीफ देती है दोस्तों, तो उसके बारे में कई दोस्तों ने हमारे पूछा, तो हम आज आप सबको बताने जा रहे हैं कि आँखों पर अगर गुहेरी हो जाए तो उसे कैसे दूर करेंगे। इमली के बीज की गिरी को पत्थर पर चंदन की तरह घिसकर गुहेरी पर लेप करने से तत्काल ठंडक पड़ जाती है और कुछ ही घंटों में रोग का नामो निशान तक नहीं रहता। इससे न केवल रोग बिल्कुल नष्ट हो जाता है मेरे दोस्तों, बल्कि भविष्य में पुनः भी नहीं होता है, तो इतना कारगर होता है। करना कुछ नहीं आपको, आपको एक इमली का बीज लाना है कहीं से, उसको पत्थर पर घिस लीजिए। पहले पत्थर को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, क्योंकि आँख हमारी बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसमें कुछ और नहीं जाना चाहिए। उस इमली के बीज को घिस दें और घिसने के बाद जो उस पे रवा रह जाता है उसको गुहेरी पर आराम से लगा दें और 2-4 घंटे तक लेट जाएं, सूखने दें उसको। इसके बाद उसे धो लें, इससे आपकी गुहेरी ख़त्म होगी, ठंडक पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है। जब आँखों पे गुहेरी होती है मेरे दोस्तों तो बहुत गर्मी होती है, उसमें दर्द होता है, उससे आपको राहत मिल जाएगी। इमली के बीज को प्रयोग में लाने से पहले 3 दिन पानी में भिगो कर छिलका उतार कर रख लेना चाहिए। बिच्छू के काटने पर छिलका उतारे एक बीज का सफ़ेद भाग पानी में घिस कर दंश स्थान पर लगा देने से भी क्या होता है कि आपका जहर का असर हथेलियों पर घिसना चाहिए। तब तक घिसना चाहिए जब तक उसमें गर्मी ना आ जाए। जब वो उंगली गर्म होने लगे तो गुहेरी पर आप उसको स्मूथली रख दें, जिससे कि गर्म हो करके वो गुहेरी दब जाती है मेरे दोस्तों। बार बार गुहेरी निकलना बंद करने के लिए एक उपाय हम आप सबको बताने जा रहे हैं। प्रातः सायं 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण गो दूध के साथ लें, यानी कि गाय के दूध के साथ दोस्तों, इससे बार बार गुहेरी निकलना बंद हो जाएगा। सप्ताह 2 सप्ताह लेने से, अपने गुप्तांग की सदैव ठीक से सफाई रखने से ये समस्या जो है दूर हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।